अपने भय से दो दो हाथ कीजिए, मतलब समस्या का सीधा सामना करना होगा। गरीबी एक डर है कि नहीं है? तो या तो बैठे बैठे रोएं और या उससे दो दो हाथ करें, या तो रोएं या दो दो हाथ करें। मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं। पहला, इंसान गरीब रहता है तो जिंदगी में तकलीफें आती है क्या? आती है। और अगर अमीर बनने का प्रयास करें तो भी तकलीफें आती है? तो जब दोनों में ही तकलीफें आती है तो गरीब ही रहना चाहिए ना? मैं लॉजिक से आंसर देता हूं आपको, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस मैंने जिंदगी में 20 साल पहले अपने आप को सिखाया था, जो आज आपके सामने फिर शेयर कर रहा हूं। गरीब रहने वाली दिक्कतें पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिटती, गरीब रहने वाली दिक्कतें पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिटती, और अमीर बनने के रास्ते में आने वाली दिक्कतें 5 साल से ज्यादा नहीं टिकती। बताओ फिर क्यों नहीं जिंदगी में अमीरी का प्रयास करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जब जिंदगी में पता है कि गरीब रहने की दिक्कतें पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली है, उसके बाद भी जो गरीबी का चुनाव करे, प्रकृति उसके साथ न्याय करे, उसे भगवान हमेशा गरीबी रखे। क्योंकि जिसको ये चुनाव ही पता है कि 5 साल से ज्यादा नहीं टिकेगी, तो बताइए गरीबी से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? दो दो हाथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपनी हेल्थ में तकलीफें आएगी, इस डर के लिए अपने दो दो हाथ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? जिस भी डर से आपका कॉन्फिडेंस धीमा होता है, आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, जिस भी घटना से आपको बैक पे जाना पड़ता है, वापस आपको बैक टू पवेलियन जाना पड़ता है, ध्यान रखना, आपको वार डिक्लेयर करना होगा उसके अगेंस्ट। अगर आपको लगता है कि मेरी साइट दूर है, इससे खुद लड़ लो, दुनिया में सबसे नज़दीक आपकी साइट है। आप अपनी ज़िंदगी के भय को कैसे भी मिटाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर से आप में कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपको डालना पड़ेगा। सॉल्यूशन तो आपको ही करना पड़ेगा, समाधान आपके भीतर है। जो भी समस्या है दुनिया में, उसका समाधान आपके भीतर है। आपको अपने भय से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक अकेला भय है जो कॉन्फिडेंस को खत्म करता है। डर खत्म करता है कॉन्फिडेंस को। आपको अपने भय से दो दो हाथ करे बिना होगा नहीं। जिस काम को करने से डर लगता है, उससे भारी से जाके लड़ जाओ, और कोई उपाय नहीं। अगर आपको हरभजन सिंह की गेंद खेलने से डर लग रहा है, कुंबले की गेंद खेलने से डर लग रहा है, एक ही ऑप्शन है, शोएब अख्तर की गेंद जाके खेल लो, जाके खेलो शोएब अख्तर की गेंद। अगर आपको किसी अजनबी से बात करने में हमेशा झिझक होती है, तो जाओ और जिले के कलेक्टर से जाके बात करो, जाके बोलो SP से, जाके बोलो डिप्टी से, जाके बोलो CM के सचिव से, पहली बार में जाके 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खेल लो, फिर सारा संसार टुचट लगेगा, सारा संसार लगेगा, किसी को जाके बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, किसी से भी दोस्ती कर सकता हूँ। जब तक बड़े डर का सामना नहीं करोगे ना, मैं माँ कसम खा के कह रहा हूँ आपको, आपका कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगा। अभी मैंने जितने लोगों को बोलने के लिए बोला, उनमें से आवाज़ का अगर मैं डेसिबल देखूँ यहाँ पर, और यहाँ एक जलने वाला बल्ब लगा था, एक भी आदमी की आवाज़ से बल्ब नहीं जलता। आपको पता है क्या कि आपकी आवाज कितना बड़ा मार्केट में बेचने में योगदान देती है? आपकी आवाज कॉन्फिडेंस का इंट्रोडक्शन देती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस का इंट्रोडक्शन देती है। आप जितने डरों को जीतोगे, आप जितने भय को जीतोगे, आप जितना कॉन्फिडेंस उतना ही मार्केट से लेते जाओगे। इसलिए भैया डरों को जीतो। डांस बिना म्यूजिक के हो जाए, गाना बिना बोले निकल जाए, चुटकला आप बन जाओ अगर चुटकला नहीं है तो, सब है आपके पास, लेकिन डरों से जीत लो, तब मार्केट में जाओगे। उसके बाद की आपकी सेल, एक महीने की सेल देख लेना, पूरे साल की सेल के बराबर होगी। आपका कॉन्फिडेंस नीचे नहीं होना चाहिए, बाहर की चीज़ों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। अखबारों में नेगेटिव खबर आ रही है, चीज़ों की नेगेटिव, बर्बादियों की, अगर पढ़ोगे लोगों की बर्बादियां तो अंदर घुसेगी बर्बादियां, कभी नहीं। मैं एक भी घटना ऐसी नहीं पढ़ता जो जिंदगी में नेगेटिव हो। आप देख लो इस टाइम कोरोना से वो डरे हुए हैं जो रात दिन TV के, कितने मरे, और बारे रे। और आपको पता है एक भी आदिवासी के कोरोना नहीं होगा, क्योंकि टीवी नहीं देखता, अखबार ही नहीं पढ़ता, कोरोना घुसता है उसके जो डिमांड करता है, अरे कोरोना। डर से मर जाएंगे यार। आप कह रहे हो प्लॉट नहीं बिक रहा, मैं कह रहा हूं कॉन्फिडेंस हो, आप कुछ भी बेच के आ जाओगे। कॉन्फिडेंस धरती के सारे रास्तों को खोलने की दवाई है। आपको अपना आत्मविश्वास सातवें आसमान पर लेना पड़ेगा।
दाद देनी पड़ेगी। जब 2016 में ये चीज़ें और ये परिवर्तन हुए, तब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरीके से अपने आप को कम बैक करके बाउंस बैक किया है, आप हालत देख लो, रियलिटी में जाके बड़े बड़े ग्रुप्स की हालत देख लो। लोगों के पास रुपया नहीं है, धन नहीं है, मार्केट नहीं है, और आप लोग कमांडो बन रहे हैं। आप अपनी जिंदगी का बेहतरीन समय जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, अभी जिंदगी का ये नॉलेज पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये आपको कई वर्षों तक याद रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा निवेश ज्ञान में निवेश है, निवेश सबसे बड़ा नॉलेज पे होता है। नॉलेज का निवेश आपको धरती के किसी भी व्यवसाय में, किसी भी प्रोफेशन में आपको बेहद अमीर और कामयाब बना सकता है। लेकिन दो दो हाथ करने पड़ेंगे। करो यूं हाथ मतलब कैरेक्टर में जाना चाहिए, लगना चाहिए, और आज जाके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आज जाने के बाद, आज दिन में जब भी लंच हो, अपने अपने दोस्त को देना कैमरा कि एक बार मेरा पोज लेना, रे यार साला है कि नहीं सही, देखे सही जा रहा हूँ। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, जिस दिन आपका ये पोज कैरेक्टर में चला गया ना, ये असल में आप किसी से भी दो दो हाथ कर लोगे, किसी से भी दो दो हाथ कर लोगे, कितनी भी बड़े भय से दो दो हाथ कर लोगे। नहीं बिकने का डर लग रहा है, दो दो हाथ कर ले। किसी के मना करने का डर लग रहा है, दो दो हाथ कर ले। कोई विजिट नहीं कर रहा, मान नहीं रहा, समझ नहीं रहा, ऑब्जेक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन मारे जा रहा है, एक थप्पड़ दो थप्पड़। अकेले बाथरूम में जाना, वो नहीं मान रहा बाथरूम में, सर मेरे को बाथरूम जाके आना है, मेरे दवाई लेके आनी है सर, कुछ इंपॉर्टेंट है, सर ने बताया था मेरे को 2300 रुपये लगे थे सर, 2300 लगे ना आपके, 2500 रुपये लगे हैं सर। अंदर जाके यूं करना, ऑटोमेटिक बॉडी में से हार्मोन्स रिलीज होंगे जो आपके अंदर से पावर हाउस को जगाएंगे। बॉडी से माइंड को सजेशन जाता है। मैंने कुंभलगढ़ में एक सेशन लिया था, ऑटो सजेशन, जिसमें मैंने विक्ट्री पोज बताया था। मैंने आपको बोला था बॉडी का माइंड से गहरा संबंध है, अगर माइंड रिलीज नहीं कर रहा है तो बॉडी से माइंड को संकेत भेजो, वो रिलीज करेगा कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस जिस आदमी में है वो जगत जीत लेगा। कॉन्फिडेंस वाला आदमी जगत जीत लेगा। दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहो। मार्केट में जो आदमी ऑब्जेक्शन मारे, दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहो। मैं आपकी कार, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, उसके विरुद्ध दुनिया में कोई भी आ जाए, दो दो हाथ कर लेना, देखना क्या कॉन्फिडेंस पैदा हो। आपको नहीं लग रहा मेरे पसीना आ गया? आपको नहीं लग रहा कि मैं कैरेक्टर में हूं? मैं जब आपको जिंदगी में जो चीज बताना चाह रहा हूं ना, उससे मैं हजारों बार गुजरा हूं, और हर बार अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ डेवलप किया है। आपको सुल्तान बनना पड़ेगा, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। कई वर्ड्स हैं मेरी जिंदगी में जो मेरे को ऑटो सजेशन देते हैं, रिलैक्स जेनिफर, भयंकर त्रासदियों में गुजरता हूं, रिलैक्स जेनिफर, ऑटो सजेशन, ऑल इज वेल, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। अपने आप को जो दे सकते हो, दो दो हाथ करने के लिए भय से, डरना नहीं कभी भी, कुछ भी हो जाए, कैसा ही डर हो। मैंने 6 डर भी बताए थे आपको उसी सेशन में, मौत का डर, गरीबी का डर, बीमारियों का डर, ये जितने डर आदमी को कॉन्फिडेंस से लो करते हैं ना, वो सारा कॉन्फिडेंस कम बैक करना पड़ता है, और वो अभ्यास से होगा। आप देखो कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस भरे जाऊं। सेल्स की दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, आप कितने लोगों से मिल लो, जितनी संख्या में मिलते जाओगे ना, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। सी मोर पीपल, अधिक लोगों से मिलो, अलग लोगों से मिलो, क्योंकि हर आत्मा में एक ओरा होता है, और जितने अधिक लोगों से मिलते जाते हैं आपके अंदर, वो ओरा ट्रांसफर होता चला जाता है, सोखते चले जाते हो एनर्जी को। इसलिए आज के बाद जिन लोगों से मिलते हो उनकी संख्या बढ़ा दो। अगर आप रोज दो ही लोगों से मिल पा रहे हो, दो परिवारों के साथ बैठ पा रहे हो कि नहीं, एक या दो ही परिवारों के साथ बैठ पा रहे हो, 10 के साथ बैठना चालू करो। एक साधारण आदमी अपनी जिंदगी में सप्ताह में 40 घंटे काम करता है, और असाधारण इंसान बनने वाला आदमी सप्ताह में 80 घंटे काम करता है। मैं इस टाइम 100 घंटे काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ड्रीम अब नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला है। आपको मैं यही कह रहा हूं, जो चाहिए ना, उस अनुपात में काम करो। 80 घंटे झोंको, अरे जल्दी फ्री होना है, जल्दी झोंको, जल्दी बेचो, जल्दी काम समाप्त करो, जल्दी कॉन्टेस्ट अचीव करो, जल्दी, जितनी निकल गई उतनी बची नहीं है, जल्दी।
क्योंकि उसके बाद जितनी बची होगी सब बोनस जिएंगे, जिंदगी को बिंदास जिएंगे। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा अच्छा बिहेवियर करो।